एक भाई साहब पहले दिन क्लास में बैठे हुए थे, वो आए मुझसे, मैंने कहा कि मुझसे कहे कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे समाज की सेवा करना। मैंने कहा रहने दो यार, फालतू की बातें मत करो, जाओ क्लास में बैठो, समाज की सेवा करना है। तुम जाने जाओ अपने कर्मों की वजह से, अपने शब्दों की वजह से नहीं। मुझे चीज़ें बुरी तब लगती हैं जब कोई आदमी आइडियल बातें करता है, अच्छी मत करो, तुम करके दिखाओ, हम तुम्हारे एक्शन ऐसे होंगे वो सजदा करा ही लेंगे। मुझे बहुत इरिटेशन होती जब मैं लोगों के साथ बैठता हूँ और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरा मन करता है मुंह में तुरंत दो तीन गोली मार दे, क्यों नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अगला वीडियो मेरा यही आ रहा है, झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, और 1,00,000 एग्जाम्पल दूंगा, खुलकर झूठ बोलो। मार डाला लोगों को आइडियल बना बना के, मैं तो देखा ना अपने दोस्तों को जो मेरे साथ बचपन से पढ़े थे, ये नहीं करना वो नहीं, मंदिर जाते थे सुबह सुबह उठ के, शिवरात्रि का व्रत रखते थे, भिखमंगे हो गए। उसमें शिवरात्रि के व्रत की कोई गलती नहीं है, अप्रोच गलत था, शिवरात्रि कोई गलती नहीं, भगवान शिव की उसमें कोई गलती नहीं, आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। इतनी स्टेमिना तो पैदा करो कि तुम जहर को भी हजम कर लो, तुमसे बड़ा पावरफुल आप भी कौन होगा। जहर क्या है, प्योर प्रोटीन। तो अगर तुम्हारे सेल्स इतने स्ट्रांग हैं कि तुमने जहर पी लिया और तुम जिंदा हो तो तुम भगवान हो, कि मतलब तुम्हारे सेल्स बहुत पावरफुल हैं जो जहर हजम कर ले। यहाँ 1 लीटर दूध हजम करने में आदमी की हालत खराब है, 1 लीटर दूध पी लिया डिसेंट्री हो गई, नहीं गांव का दूध दे दो, प्योर वाला, वो जो लाल वाला होता है, दिन भर गर्म होता रहता ना स्लो आँच पे, वो दे दो एक बड़े से गिलास में, दिन भर वॉशरूम में बैठे रहेंगे। पहले उतनी ताकत तो अपने अंदर पैदा करो। जिसकी फोटो तुम कमरे में रखो उसकी 50% क्वालिटियाँ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वरना मत रखो। जिसकी भी फोटो तुम अपनी मेज पे रखो ना उसकी कम से कम 50%, 80 है तब तो बहुत महान आदमी हो तुम, और 100 है तो भगवान हो। भगत सिंह की तरह मूछ रखे, एक चाटा मारा लेट गए जमीन पे, किया रहे अरे भैया गलती हो गई भैया, आप नहीं करेंगे भैया, अब भैया मम्मी कसम खा रहे हम नहीं करेंगे। तो उसको रखने से फायदा क्या हुआ, तुम्हारी बेइज्जती तो हुई, उस आदमी की बेइज्जती हुई जिसको लेके तुम चल रहे हो। जब तुम पावरफुल होकर संयमित रहते हो, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन तुम संयमित हो। शंकर जी भगवान क्यों हैं, भगवान इसलिए हैं क्योंकि कुबेर को पकड़ लाते हैं अपनी बीवी के लिए घर बनवाने के लिए,